पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक बयान जारी कर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की आड़ में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सरकार से पानी बिजली के बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। सरकार विधायकों की बाड़ेबंदी में बिजी है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, बिजली में कटौती हो रही है लेकिन बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान के पास ना पानी है ना ऋण माफी है। कानून व्यवस्था तो पूरी बिगड़ चुकी है लेकिन आत्महत्या आज पुलिस वाले कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर गुंडे खुले घूम रहे हैं लेकिन विधायक क्या है? कभी सरकार आदेश देती है सीमा बंद करने की, कभी सीमा खोलने की। क्या कांग्रेस सरकार ने कभी अपने अलावा जनता का सोचा कि जनता पे क्या गुजरती होगी? उनके इन आदेशों से कितनी अफरा तफरी मचती होगी, कितनी अराजकता हो जाती होगी, दुकानों के सामने कितनी लंबी लाइनें लगती होगी। लेकिन राजस्थान सरकार को न काम करना न कोरोना को फैलने से रोकना।